यूनिवर्सिटी के दोस्त ना बड़े मजे के होते हैं. आप उनके साथ खाते पीते हो, घूमते फिरते हो, एंजॉय करते हो, टाइम का पता नहीं चलता. लिटरली यू कैन नेवर फॉरगेट दोस फ्रेंड्स. तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा. वैसे बाय द वे कैसे हुआ एक्सीडेंट उसका? अफजल बता रहा था कि वो बाइक चला रहा था, सामने से गाड़ी ने हिट कर दिया. अगर वो गाड़ी पे होता तो आई एम श्योर उसे गहरी चोट ना आती और वो बच भी जाता. वैसे हानिया तुम उससे अकेले मिलने जा रही हो? ये हमारे ग्रुप के और भी दोस्त हैं, वो कहाँ गए? चलो तुम अपने दोस्त को मेरी तरफ से पूछ लेना. वो रेशम लम्स वो लम्हे हमेशा साथ चलते हैं, हमारे इस ताल्लुक की न जाने इंतहा क्या है. खुदा जाने मोहब्बत के नसीबों में लिखा क्या है, मगर एक आस रहती जो दिल रखती है. अम्मी अबू नहीं आए अभी तक? नहीं बेटा, काफी देर हो गई है. कैसी तबीयत है? ठीक हो भाई. थोड़ा रेस्ट कर लो, सो जाओ. जी भाई. अब तुमने रक्षी को बताया फोन करके सफीर के बारे में? जी अम्मी, मैंने उसको बता दिया. वो दरअसल उसका भाई है ना मुबशर, उसकी कहीं रिश्ते की बातचीत चल रही है तो शायद उन लोगों को वहां जाना है, इसलिए नहीं आ सकी. चलो ठीक. अम्मी मैं सफीर के पास हूँ, आप घर चली जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें, थक गई होंगी. अरे ऐसे कैसे चली जाऊं इसको छोड़ के? दिल तो मेरा इधर ही अटका रहेगा ना, घर पर है ही कौन? तुमने जाना है तो तुम जाओ, आराम कर लो. जी. वो अम्मी रक्षी कह रही थी कि मुबशिर के ससुराल शायद मुझे भी जाना जरूरी है. देखो जरा इसको, देवरा अस्पताल में पड़ा हुआ है और उसे फिक्र ही नहीं है. फिक्र है तो अपने भाई के रिश्ते की, और अब तुम्हारा भी दिल कर रहा होगा साले के रिश्ते को देखने के लिए. नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं, अगर आप मना कर रही हैं तो मैं नहीं जाता. अरे बाबा मैं नहीं मना करती, तुम जाओ, हम पे एहसान मत करो. और हुमैरा और साजिद को फोन भी कर देना, फिर नाराज होगी कि बताया नहीं उसे. ठीक है. सो गया? हाँ
मेरे ख्याल आंख लग गई इसकी। चलो भैया कुछ पैसे रख लो। कितने हैं? 50,000 हैं। इतने ज्यादा? अरे ऐसे सोचने में ज्यादा लगते हैं, वरना 5,000 के 10 नोट हैं। फरीद कहाँ है? उसकी बीवी का फोन आया था, ससुराल चला गया। बहू तो थी ऐसी, बेटा भी उसके रंग में रंग गया। अच्छा खैर चलो छोड़ो, मुझे तो सफीर की फिक्र खाई जा रही। इसका बाजू ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह से दुआ करो। क्या सोचा था और क्या हो गया? लाखों की नौकरी सोची थी इसकी, अब लाखों रुपए इसके इलाज पर लगेंगे। जो कुछ होना होता है अपिया बेगम वो होके रहता है। कितनी उम्मीदें बांध रखी थी हमने इससे, अब इसका सारा कीमती वक्त इस तरह से जाया हो जाएगा, हमें क्या पता चलेगा। आप परेशान ना, अल्लाह बेहतर करेगा। कैसे परेशान ना हूं, जवान बेटा इस साल में पढ़ा हुआ है, तुम कह रही परेशान ना? अरे वाले सलाम, हाँ बेटा। सलाम अलैकुम अंकल जी। तेरो सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ओ ये क्या हरकत की तूने, किसको टकरे माता फिर रहा है भाई? अरे यार लोग मुझसे आगे खुद ही टकरा जाते हैं। कैसे हो? ठीक हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा तुम लोग आ गए, सफीर बहुत उदास हो रहा था। अगर इतने उदास था ना तू तो एक कॉल कर देता। ये क्या तरीका है दोस्तों को बुलाने का भाई, हैं? क्यों आनिया? हाँ सही कह रहे हैं ना आप सर। अच्छा बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। नहीं अंकल प्लीज, आप प्लीज बैठे, आप आराम करें। जी अंकल, हानिया ठीक कह रही है, और तू जल्दी से ठीक हो जा, बड़े बड़े काम करने हैं अभी तो हमने। बड़े काम मेरे नसीब में ही कहाँ है। क्यों मायूसी की बातें करते हो सफी, देख रहे हो तुम लोग? आंटी इसको पहली बार ऐसे चोट आई ना तो जरा इमोशनल हो रही है, और कुछ भी नहीं। पहली बार चोट लगी है और वो भी तब जब लगनी नहीं चाहिए थी। ओए मर्द बन, मर्द स्टील बॉडी बन, तू क्या लड़कियों की तरह रो रहे हैं? क्यों आनिया? तुम कैसी बातें कर रहे हो, पहले चोट लगी रही है उसे। अंकल आप ना इसको डांटा करें, आपके लाड प्यार ने बिगाड़ा है। अगर आपकी जगह मेरे अब्बा जी होते ना तो दो जूते लगा के मुझे ले जाते अपने साथ। हाँ तो तुम्हें दो जूते लगने चाहिए थे ना सफीर, ऐसा नहीं है। अंकल आंटी अगर किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज लाजमी बताइए, एक कॉल कर दीजिएगा मैं आ जाऊंगी, किसी भी चीज की जरूरत हो कभी भी। नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम लोग मिलने आ गए बस यही काफी। वैसे अंकल इस हॉस्पिटल के जो MD है ना वो मेरे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, सफीर का इलाज भी अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, बस उनसे इतना कह दें कि जल्दी चक्कर लगा लिया करें। मैं कह दूंगी आंटी, आप फिक्र ना करें। रिजवान के साथ जाना ही नहीं चाहती थी लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हैं? भेज दिया आप लोगों ने जबरदस्ती। तुम्हारी उससे शादी होने वाली है हानिया। तातो मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं रिजवान से शादी करना नहीं चाहती, कब समझ आएगी आप लोग को ये बात? हानिया ये कौन सा तरीका है पड़ोस से बात करने का? अरे कोई इस लड़की को समझाओ कि अब उस यूनिवर्सिटी वाले लड़के से मिलने की इसको क्या जरूरत है। हानिया तुम सफीर से मिलने गई थी? नादिर वो देखो हानिया, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ही उसे टाइम दिया था,
लेकिन वो अब तक कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया। अब वालदैन की हैसियत से हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर समझेंगे। आप जानते हैं हाउ ब्रिलियंट ही इज, उसको जॉब आसानी से मिल सकती है, वो तो उसका एक्सीडेंट हो गया है। इनफ हानिया, मैं उसे जितना टाइम दे सकता था दे चुका, अब तुम मजीद मेरा इम्तिहान मत लो। ठीक है, पर आप मेरा भी फैसला सुन लें, सफीर के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। देख लिया, देख लिया इतनी ढील देने का नतीजा। हजार बार समझाया लेकिन ये सुनता ही कहाँ है। देख लिया ना नतीजा, एक दफा गई थी मैं इसके साथ बाजार बाइक पे, बाइक ये ऐसी उड़ाता है जैसे जहाज। यहाँ इसकी आदत के लिए आई हुई है, इसको डांटने के लिए? आई तो मैं इसकी आदत के लिए थी, लेकिन जो इसकी हरकतें हैं ना, दिल तो चाह रहा है डांटने के साथ साथ दो लगाऊं भी। बिल्कुल लगाओ अंकल, आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा सफीर, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ हाँ बेटा इंशाल्लाह। नौकरी का कुछ हुआ इसकी? हाँ बेटा, वो एक एप्लीकेशन तो इसे दी थी एक जगह, लेकिन इसे जॉब वो पसंद नहीं आ रही। ठीक है, इतनी जल्दी भी क्या है, मिल जाएगी नौकरी। हाँ इंशाल्लाह। हाँ सफीर, जब तक तुम पूरी तरह से एहतियाब ना हो जाओ ना, नौकरी वोकरी के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब्बू आप थक गए होंगे, आप चले जाएं घर, साजिद रुक जाएंगे। जी जी अंकल, मैं रुक जाऊंगा, आप चले जाएं। नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, फरीद रुकता है ना रात को यहाँ, तुम लोग परेशान मत हो प्लीज। अम्मी, आंटी भी बहुत पूछ रही थी सफीर के बारे में, वो आएंगी आप लोगों से मिलने के लिए। अरे क्या जरूरत है, मेरा मतलब है कि उनकी अपनी तबीयत खराब रहती है, तो अस्पताल आएंगी तो मजीद खराब होगी।
कैसे हो? वैसा ही बेकार, बेरोजगार और अब तो जख्मी भी। सफीर, थोड़ा तो हिम्मत से काम लो। हिम्मत रखने के लिए उम्मीद का होना बहुत जरूरी होता है, और मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अब जिंदगी से मैं क्या उम्मीद रखूं। क्यों ऐसी मायूसी जैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि मैं बहुत मायूस हो चुका। अच्छा, मेरी बात सुनो प्लीज, try to relax, rest करो जरा, बहुत दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? सफीर देखो, तुम हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा? हानिया, अंकल का दिया हुआ टाइम खत्म हो चुका है, और तुम्हारे लिए जो प्रपोजल आया था तुम उसको हाँ कर दो, उसके साथ सेटल हो जाओ। तुम जो तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं तुम वो करो, मेरा तो कुछ पता ही नहीं है मैं यहाँ से कब बाहर जाऊँगा, कब ठीक होऊंगा और कब अपना सो कॉल्ड स्ट्रगल दोबारा से शुरू करूँ। हम दोनों ही जानते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मेरे साथ खुश भी नहीं रह पाओगे। बेहतर होगा कि तुम भी ये बात जल्दी जान। अच्छा, हो गया तुम्हारा भाषण खत्म? हो गया तो मैं बोलूं? तुम्हें क्या लगता है सफीर, you're the only one suffering? यहां मैं तुम्हारे लिए लड़ रही हूं और तुम मुझे कह रहे हो कि नहीं, just give up। क्या जरूरत है लड़ने की, सब कुछ खत्म हो चुका है ना, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। तुम बस उनकी बात सुनो, वो जो चाहते हैं तुम वो करो, आगे आने वाली जिंदगी में खुश रहो। सफीर, तुम हार मान सकते हो, मैं हार मानने वालों में से नहीं। हनिया, जब मुझे नींद आ रही है, और सुनो प्लीज अब हॉस्पिटल मत आना, अम्मी अब्बू को अच्छा नहीं लगता। मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करनी, जस्ट गो अवे। आफिया, मुझे हानिया से ये उम्मीद हर किस नहीं थी, वो किस तरह बिहेव कर रही थी माजी से। प्लीज उसे आप इस तरह जबरदस्ती ना करें। मैं उससे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने आज दिन तक उसकी हर बात मानी, लेकिन अब बस बस थोड़ा सा वक्त दें उसे, ये सब बहुत जल्दी ही है उसके लिए। और वो क्या नाम बता रही थी उस बच्चे का, सफीर, उसका एक्सीडेंट हो गया है तो जाहिर है। तो तुम भी उसी की वकालत कर रही? मैं सिर्फ हानिया की वकालत हूँ, इसलिए कि वो मेरी बेटी और मुझे अपनी बेटी की खुशी बहुत अजीज है। तो अब क्या करूँ मैं? प्लीज थोड़ा सा और इंतजार कर लें। सच पूछें तो ये रहमत भाई के जो हम रिश्ता कर रहे हैं ना रिजवान से अपनी बेटी का, जो लोगों का जो एक देहाती बैकग्राउंड है ना, वो कुछ समझ में नहीं आया। आफिया, अब हानिया के साथ साथ तुम भी मुझे परेशान कर रही हो। मैं परेशान नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही। क्या आप पता नहीं क्यों रिजवान के रिश्ते को दुनिया का आखिरी रिश्ता समझ रहे हैं, कि मिस ना हो जाए? और इस सारे चक्कर में आप अपनी बेटी को खुद से दूर कर रहे हैं।
अच्छा सुनो सफी, शादी तो तुम उसी लड़की से करोगे ना जिससे पिछले हफ्ते मिले थे? अरे भाई पहले उसको कोई जॉब तो मिल जाने दो, उसके बाद शादी हो जाएगी, क्यों जी? बिल्कुल सही बात की आपने, जॉब मिलना तो वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि उस लड़की के घर वाले तो वैसे भी किसी ऐसे वैसे लड़के से उसकी शादी करवाएंगे नहीं। हम दोनों ही जानते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, और तुम मेरे साथ खुश भी नहीं रह पाओगी। क्यों क्या है इसको, क्यों ऐसी बातें कर रहा है? कॉल भी नहीं कर सकते दादी, इस बार तो फसल बड़ी अच्छी रही, बारिश भी टाइम पर हुई, पानी का भी इशू नहीं था, और मौके पे मैं भी मौजूद था। अच्छा, तो तुम्हें काश्तकारी में दिलचस्पी है? ऑफ कोर्स दादी, जमींदार लोग हैं हम लोग, जहाँ भी चले जाएं अपनी मट्टी अपनी मट्टी होती है। बिल्कुल सही, बोलते नहीं हम लोग। हाय हानिया, आओ बैठो। हाय दादा, तो मुझे जाना है, देर हो रही है। कहाँ जाना है? मेरा दोस्त है सफीर, उसकी खैरियत मालूम करने जाना है मुझे। ओ बस जो मुंह में आता है बोल देती है, इसका क्लास फेलो है। चल अब मैं ले चलूँ तुम्हारे दोस्त से मिलवाने? नहीं मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। किता तो मुझे देर हो रही है। वैसे लोग कहते हैं कि अगर मरीजों की आदत करें तो सवाब मिलता है, क्यों दादी? तो फिर चले हम लोग। चले श्योर दादा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की पनाह, ये लड़की। तुम कहो तो थोड़ी देर के लिए ऑफिस चक्कर लगाया हूं, अम्मी अबू बस आते ही होंगे। ठीक है भाई, थोड़ी देर की बात है, मैनेज कर लोगे ना? श्योर भाई, बिल्कुल कर लूंगा मैनेज, कोई मसला नहीं है। आप हुए, अपना ख्याल रखना। हाय। हेलो। हाय। तुम कल इतने बुरे नोट पे हमारी बात खत्म हुई थी, मुझे लगा मेरा आना बहुत जरूरी है। Anyway, I'm sorry. याद है मैंने रहमत अंकल के बारे में बताया था, मेरे बाबा के दोस्त हैं, ये उनका बेटा है रिजवान। कैसे हो? ठीक हूँ। और शायद हानिया ने मेरा तारुफ ठीक से नहीं करवाया आपको। मैं सिर्फ इसके अंकल का बेटा नहीं हूँ, बल्कि हानिया का होने वाला फियांसे भी हूँ। एक्चुअली रिजवान ने कुछ क्लैरिटी के लिए लाई थी आपको यहाँ पे। आप जानते हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मैं और सफीर एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। और ये भी हकीकत है कि यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे दिया हुआ वक्त खत्म हो चुका है। मैं हानिया को पाने लायक नौकरी लेने में नाकाम हो चुका। सफी, यू नो व्हाट, आई हैव नो आइडिया व्हाट टू से। कुछ खत्म नहीं हुआ अभी। आई थिंक मुझे चलना चाहिए।
थैंक यू, मिलते हैं। Get well soon, bro. ये क्या पागलपन है? पागलपन मैं लगा रही, तुम पागल हुए हो सफीर। प्लीज, कोई मोहलत नहीं खत्म हुई है अभी। दोबारा भी उल्टी सीधी बात मत करना मुझसे, प्लीज। मुझे भी जाना है, मैं दोबारा मिलने आऊंगी तुमसे। प्लीज हार मत मान। I don't want to hurt you, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ बताना बहुत जरूरी था। तो फिर अंकल ने मुझे, मेरा कहने का मतलब ये है कि अंकल ने हमें क्यों लटकाए रखा, क्यों नहीं बताया कि तुम किसी को लाइक करती हो, किसी को पसंद करती हो? I'll be very honest with you. मैं इनकार कर चुकी थी, बाबा को लग रहा था कि जैसे ये मेरा कोई फेज है, कोई बचपना है जो गुजर जाएगा। उनको तो वैसे ही लगते जैसे मोहब्बत बच्चों का खेल। मोहब्बत? Sorry, I'm really sorry. Honestly, मुझे लगा तुम समझ सकोगे मेरी प्रॉब्लम। फिलहाल तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, फट रहा है मेरा सर। अच्छा देखो प्लीज, देखो जब तुम्हें लगे कि तुम इस बारे में सोच सकते हो, इस वक्त प्लीज मेरी जगह अपने आप को रख के सोच के देखो। रिजवान मेरी मुश्किल यहाँ पे सिर्फ तुम आ सकते हो। मैं हानिया, हाउ कैन आई हेल्प यू? अगर तुम इस रिश्ते से खुद इनकार कर दो, व्हाट, बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए रिजवान। सीरियसली, आई नो दिस इज अ वेरी सेल्फिश अप्रोच, लेकिन वहाँ कोई रास्ता नहीं है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक हानिया, फैंटास्टिक, वेल प्लेड। यू नो व्हाट, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह, अपनी मोहब्बत की परवाह, अपनी फीलिंग्स की परवाह है। मैं क्या फील करता हूँ, you have no idea about that. And for your kind information, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सर मुझे एक बात, तुम चाहते हो कि तुम अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजारो जो किसी और को, you don't deserve this. No one deserves this. मैं किसी ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए जिसकी पूरी अनडिवाइडेड अटेंशन तुम्हारी तरफ हो, जो सिर्फ तुमसे प्यार करे, ऐसा नहीं जो हर वक्त झूठ बोले उस बारे में। मैं सिर्फ इस अंकल का बेटा नहीं हूँ, बल्कि हानिया का होने वाला फियांसे भी हूँ। एक्चुअली रिजवान ने कुछ क्लैरिटी के लिए लाई थी आपको यहाँ पे। आप जानते हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मैं और सफीर एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना। हाँ, खेलो तो बिल्कुल।
मुबारक हो भाई। किस बात? डॉक्टर ने तुम्हें छुट्टी दे दी, अब हम घर जा रहे हैं। शुक्र। सर, मैंने तुम्हें वेबसाइट का लिंक और बाकी सब डिटेल्स भेज दी हैं। प्लीज सफीर को दे देना। क्यों? तुम क्यों नहीं दे रही उसे? तुम प्लीज मेरा ये काम कर दो बगैर कोई सवाल किए, और प्लीज सफीर को नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये बताया। ओके? तुम फिक्र मत करो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। खैर और बताओ, घर में सब कैसे हैं तुम्हारे? थैंक्स। हेलो, एहतियात किया करो। देखो तो सही क्या हालत बना लिया तुमने अपनी। मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं जल्दी, आप परेशान मत हो। कैसे फिक्र ना करूं, चलते फिरते बिस्तर पर आ गए हो। अरे सफीर,
आ गए तुम हॉस्पिटल से? कैसी तबीयत है तुम्हारी? मिल गई फुर्सत देवर की तबीयत पूछने की। मैं गई थी हॉस्पिटल। अम्मा प्लीज, क्या हो गया है आपको? जी भाभी ठीक हूँ। खैर सफीर, अब तुम्हारी जॉब का क्या होगा? फरीद बता रहे थे कि 90,000 का बिल आ गया हॉस्पिटल का। क्यों आंटी? बिल अदा कर दिया गया है और फरीद से पैसे नहीं लिए जो तुम्हें फिक्र खाए जा रही है। फरीद बेचारे कहाँ से देंगे, हमारे तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते। अब जो भी करना है ना वो सफीर ने ही करना है। क्यों सफीर? जी भाभी। कर लेगा, तुम्हें ज्यादानी कराने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह करे कि जल्दी ही कर ले। वैसे भी अभी हार्ट ठीक होने में तो काफी वक्त लग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें वक्त ही ना निकल जाए। अब मेरा मतलब है कि अल्लाह करे जल्दी से नौकरी मिल जाए सफीर तुम्हें। इंशाल्लाह वो भी जल्दी मिल जाएगी। अंकल ने घर गिरवी से छुड़वाना है, तुम्हारी शादी है, इस घर की मरम्मत होनी है, बहुत सारे काम है। खैर मुझे क्या, आप जाने सफीर जाने, मैं तो हलीम बनाकर लेकर आई थी। रख देती हूँ फ्रिज में। थैंक यू। अम्मा आप भी ना, क्यों बहस करती हैं बाबू? देखते नहीं सिर्फ बातें सुनाने आती है ये। रिजवान मेरी मुश्किल यहाँ पर सिर्फ तुम्हें समझ सकती। मैं हानिया, हाउ कैन आई हेल्प यू? अगर तुम इस रिश्ते से खुद इनकार कर दो। व्हाट? मैं और सफीर एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। आहा, इनकार कर दूं मैं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? बेटा काम तो होती रहेंगे, सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। नहीं अबू, मैं ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, अब और रिस्क नहीं ले सकता। वो दोपहर हो गई है पर जनाब सो रहे हैं अभी। ओ अफजल, ओए ओ जरा शर्म कर, मेरा लाखों रुपए बर्बाद करके मजे से पड़ा सो रहा है। हानिया, हम तुम्हारी शादी रिजवान से करवाना चाहते हैं बेवकूफ लड़की, इसीलिए हमने तुम्हें उसके साथ घूमने फिरने की इजाजत दे रखी है। तो शादी तो उसी से होगी ना जिससे मैं चाहती हूँ। मुकद्दर के सितारों को जमीन